ठीक है, नॉट बैड है। दही ऐड करने वाली हूँ मैं, सो वो करेंगे, पर चटनी बाद में बनाएंगे, पहले क्लीन अप करते हैं यहाँ से। गरम खाना बहुत अच्छा लगता है, हस्बैंड को गरम खाना अच्छा नहीं लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनको मिलता है, अगर उनको नहीं मिले, ठंडा मिले तो फिर उनको अच्छा लगेगा। Mama, I told you, he always steals everything. हेलो प्यारे दोस्तों, कैसे हाल चाल है? उम्मीद है कि आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। अगर अच्छे नहीं हैं तो आज ज़रूर से अच्छे हो जाएंगे मेरी वीडियो देख के। सो समय हुआ है 4:37 एंड मैं तैयारी करने वाली हूँ मेरे डिनर की। अभी मैं थोड़ी ग्रॉसरी शॉपिंग करके आई हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ मैं क्या क्या लेके आई हूँ। पर मैंने बहुत सारी चीज़ें टिका भी दी हैं, पर जो भी मेरे सामने है मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। एंड उसके बाद हम लोग करेंगे कुक चिकन बिरयानी। एंड इस बार मैं चिकन ब्रेस्ट ऐड करने वाली हूँ क्योंकि हिम्मत को बहुत पसंद है चिकन बिरयानी और काफ़ी समय हो गया कि हमने कुक नहीं की है। सो आज करेंगे एंड फिर वो कल वो लंच में भी लेके जा पाएगा। और संडे इवनिंग को मेरा होता है कि कोई राइस वाली डिश बनाऊँ या पास्ता बनाऊँ ताकि अगले दिन लंच का आसान हो जाए, क्योंकि हिम्मत को राइस या पास्ता ऐसी कोई डिशेज़ लंच में खाना अच्छा लगता है। और जब भी मैं ऐसा कुछ ऐड करके उसके लंच बॉक्स में देती हूँ वो हमेशा फिनिश करके आता है, जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। अदरवाइज़ ऐसे पूरा डब्बे का डब्बा आ जाएगा और फिर आपको भी बुरा फील होगा कि वो सारा दिन स्कूल में भूखा सी। सो जब मैं राइस की या पास्ता डिश दूंगी तो वो फिनिश करके आएगा। सो ओके, क्विकली आपके साथ शेयर करती हूँ ग्रॉसरी हॉल। सो सबसे पहली चीज़ है मेरे पास ये हॉट चॉकलेट पाउडर, टिम हॉर्टन्स का ब्रांड है। हिम्मत को ये फ्लेवर की हॉट चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है फॉर सम रीजन्स। सो ये सुबह जब वो ब्रेकफास्ट करता है तो वो ये हॉट चॉकलेट सुबह स्कूल जाने से पहले जो ब्रेकफास्ट करता है उसके साथ उसे ये हॉट चॉकलेट चाहिए होती है। एंड नुटेला सम डेज मैं उसको बेड पे लगा के देती हूँ। ये स्कूल में अलाउड नहीं है क्योंकि नट्स की एलर्जी हो सकती है किसी को, तो स्कूल ही लेके जाते हैं या घर में खाता है वो। तो ये है आंटी जेमिमा'स पैनकेक मिक्स, अच्छा है, क्लासिक ओरिजिनल फ्लेवर्स हो, हिम्मत खाता है वीकेंड्स पे, नॉट माइंड। इस बार मैं लेके आई हूँ ये चिली ऑयल। हमें चिली ऑयल बहुत अच्छा लगता है चाइनीज़ जब हम खाते हैं। सो इस बार मैं ना प्लान बना रही हूँ कोई राइस की डिश, लाइक राइस नूडल वाली डिश विद चिली ऑयल एंड सम स्टर फ्राई वेजिटेबल्स और जो भी आपका मन करता है। तो मैं सोच रही थी ये मैं ट्राई करूँ। एक दो बार मैंने और ब्रांड्स के चिली ऑयल्स भी ट्राई किए हैं और इसमें चिली एंड गार्लिक है, होपफुली ये अच्छी लगेगी हमें। ये लेके आई हूँ। एंड एक मैं थाई रेड करी की रेसिपी बनाना चाहती हूँ, उसके लिए ये एशियन होम गॉर्मे स्पाइस पेस्ट लेके आई हूँ। मैंने सुना है कि ये बहुत अच्छा फ्लेवर है। ये सिर्फ पेस्ट है इंग्रेडिएंट्स का, बाकी चीज़ें आपको खुद से ऐड करनी है, लाइक फ्रेश कोकोनट मिल्क या जो भी आपको अच्छा लगे। सो वो ऐड करके ये बनाएंगे। और राइस नूडल्स और हिम्मत तवसीम। सो राइस नूडल्स भी लेके आई हूँ। ये ब्रांड का नाम है डिलिशियस किचन। मैं कई सारे डिफरेंट किस्म के ट्राई करती हूँ। ये बहुत ज़्यादा थिक नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा थिक राइस नूडल्स बहुत अच्छे लगते हैं, लाइक पैड थाई बनाने के लिए। और ये ना क्विक डिनर हो सकता है। एंड मैं ना एक और चीज़ प्लान कर रही थी कि जो भी हम मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा डिनर होता है या एक जो अच्छा मील हम खाते हैं, वैसे हम कोशिश करते हैं बहुत कम खाएँ, और जो एक हमारा अच्छा मील होता है जो अच्छी क्वान्टिटी में हम लोग खाते हैं। सो जो एक अच्छा मील हम अच्छी क्वांटिटी में खाते हैं ना, तो वो 5-7 मेरी क्लासिक रेसिपीज़ हैं, 5-7 नहीं ज़्यादा होंगे, 10-15 होंगे। सो मैं सोच रही थी कि 5 ऐसी रेसिपीज़ या फिर वो क्विक मील्स मैं आपके साथ शेयर करूँ कि आपको भी आइडिया मिल सके कि आप डिनर में क्या खाएँ। वन ऑफ देम है चिकन बिरयानी, और ये क्रीमी वेजिटेरियन या फिर क्रीमी चिकन वाला पास्ता खाते हैं हम लोग। कई बार मैं स्टर फ्राई विद जास्मिन राइस बनाती हूँ। ऐसे ऐसे जो 5-7 मेरी क्लासिक रेसिपीज़ हैं वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक ही वीडियो में, लंबी वीडियो होगी वो, पर अगर आप इसके लिए इंटरेस्टेड है मुझे बताना। ओ एक मैं चिंग्स का ये चाउमिन मसाला लेके आई हूँ। मुझे कई बार नूडल्स खाना अच्छा लगता है, वैसे तो मैं खुद से अपनी इंग्रेडिएंट्स फ्रॉम स्क्रैच करती हूँ, मैंने सोचा कि ये ट्राई करेंगे क्योंकि चिंग्स की बाकी जो चीज़ें हैं लाइक सॉस है मुझे काफ़ी अच्छी लगती है, शायद ये भी अच्छा प्रोडक्ट हो, सो ट्राई करना चाहिए, राइट। वैसे मैं गरम मसाला किसी चीज़ में ऐड नहीं करती हूँ, पर मैं ये MDH का गरम मसाला लेके आई हूँ। हर मेरी कुकिंग की रेसिपी में मैं सिर्फ 2 ही चीज़ें ऐड करती हूँ, एक जीरा पाउडर, एक धनिया पाउडर। बाकी जो क्लासिक चीज़ें हैं रेड चिली, नमक, हल्दी, वो कर सकते हैं, पर वो मैं मसाले के तौर पर सिर्फ धनिया पाउडर एंड जीरा पाउडर, क्योंकि अगर मैं ज़्यादा चीज़ें ऐड करती हूँ ना वो अलग सा एक कड़वा सा एंड हैवी सा हो जाता है फ्लेवर। पर सम टाइम अगर मुझे किसी चीज़ में ऐड करना हो तो ये गरम मसाला उसके लिए लेके आई हूँ। एंड शान का बिरयानी मसाला बहुत अच्छा है, ये आज मैं यूज़ करूँगी बिरयानी के लिए। खूब सारा टमाटर क्योंकि टमाटर मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। एंड मिंट क्योंकि मैं चटनी बनाना चाहती हूँ एंड बिरयानी में भी यूज़ करूँगी। एंड धनिया की मैं 2 गुच्छियाँ लेके आई हूँ, एक फ्रिज में है, इसको मैंने बाहर इसलिए रखा है क्योंकि इसको बिरयानी में यूज़ करेंगे। एंड पालक के गुच्छे लेके आई हूँ 2 क्योंकि बनाऊँगी मैं पालक पनीर पति को अच्छा लगता है। एंड स्प्रिंग अनियन भी लेके आई हूँ, वो मैं ये जिस दिन थाई पैड थाई बनाऊंगी ना या फिर थाई करी के साथ ये राइस नूडल्स, तो इसको यूज़ करेंगे। और जो मैं एक पुदीने वाली चटनी बनाऊंगी उसमें भी ऐड कर सकते हैं। सो बाकी चीज़ें मैंने टिकाने लगा दी हैं दोस्तों, वो अब बोल जाए। कुकिंग का प्रोसेस शुरू करते हैं। सबसे पहले क्या करें, सबसे पहले अनियन एंड चिकन को रख देते हैं, बाद में किचन को क्लीन करते जाएंगे एंड कुक करते जाएंगे। क्योंकि जब मैं कुक करती हूँ मेरी कोशिश होती है कि जो खाली का समय होता है ना उसमें चीज़ें क्लीन करते रहें। सो लेट्स स्टार्ट। ओके सो अभी ये ग्रॉसरी को टिकाने भी बाद में ही लगाएंगे, पहले हम ना बिरयानी का प्रोसेस शुरू कर लेते हैं। क्योंकि जब कुकिंग शुरू हो जाती है ना तो वो कुक होने का जो समय है वो हम फालतू यूज़ कर सकते हैं। और कल मैंने दाल बनाई थी, इस दाल के पराठे बनाएंगे हम कल सुबह। साबुत मसर की दाल है ये, मुझे अच्छी लगती है बहुत। सो इस कुकर से निकाल लेते हैं, कुकर में बिरयानी बनाऊंगी। सो यस लेट्स स्टार्ट। और एक और बात बताना चाहूँगी मैं आपको कि जब मेरे पास कोई फूड आइटम हो एक्स्ट्रा या कुछ भी, उन्हें मेरी कोशिश होती है कि क्लियर कंटेनर्स में रखा जाए। ग्लास के कंटेनर्स हो तो बेस्ट है, अदरवाइज अच्छा BPA फ्री प्लास्टिक होना चाहिए ताकि आपको आपकी फ्रिज में क्या है वो दिख पाए। क्योंकि बहुत बार हमें पता ही नहीं चलता है कि हमारी फ्रिज में क्या है। सो लाइक दिस, अब मुझे पता है कि मुझे ये कल परांठे दाल के आटे में ना खूब सारी मिर्ची, अजवाइन, जीरा एंड धनिया एंड ऑल्सो मेथी के पत्ते डाल देती हूँ मैं। परांठे लाजवाब बनते हैं एंड थोड़ा सा बेसन भी ऐड कर देती हूँ, बहुत स्वादिष्ट बनते हैं। और वो जितने भी ग्रीन हो, जितना भी उसमें सामान दिख रहा हो, हिम्मत खा लेता है, बहुत खुश हो। सो ये अच्छा है हिम्मत के बारे में। सो बिरयानी के लिए आज मैं चिकन ब्रेस्ट यूज़ करूँगी तो बहुत जल्दी कुक हो जाती है, तो राइस को भी हम जल्दी रख देंगे कुक होने के लिए। पर पहला पानी साफ करने पर रखूँगा। वैसे तो मैं टमाटर को काफ़ी बारीक सा काट लेती हूँ, पर आज मैंने सोचा कि फूड प्रोसेसर में कर लेते हैं क्योंकि फिर हिम्मत को प्रॉब्लम नहीं होगी खाने में, वो खा लेगा आराम से। एंड 4 हरी मिर्ची भी ऐड कर रही हूँ। एंड बहुत सारे दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मेरा फूड प्रोसेसर कौन सा, अभी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। मैंने आप चेता बोल रहा। ओके सो मेरे फूड प्रोसेसर का नाम है हैमिल्टन बीच, की बहुत अच्छा है। ठीक है, नॉट बैड है। पर आप इसकी, मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है कि एक टाइम में आप इसमें 2 चीज़ें कर सकते हैं। तो एक तो बिजली की बचत है, टाइम की बचत है एंड क्लीनिंग भी कम करनी पड़ती है आपको, सो इसलिए अच्छा है। राइस में मैं थोड़ा सा नमक ऐड कर देती हूँ ताकि राइस में भी नमक आ जाए, अदरवाइज़ इसमें नमक कम हो जाता है। अभी अनियन को मैं थोड़ा और कर लूँगी, उसमें मैं स्लो में कर रही हूँ। सो कुकिंग का प्रोसेस जोरों शोरों से चल रहा है। ये मैंने मेरे टमाटर एंड हरी मिर्ची को भी ग्राइंड करके रख लिया है। बर्तन को मैंने अर्लियर साफ़ कर दिया था क्योंकि बर्तन जब साफ़ होती तभी मैं कुक कर सकती। सो अनियन हो चुके हैं एंड अब इसमें ऐड करते हैं चिकन। इसको थोड़ा कुक होने के बाद ही मैं मसाला ऐड कर दूँ। आई डोंट नो मैंने आपको बताया या नहीं, ये सेम बिरयानी की रेसिपी मेरे कुकिंग चैनल पे है, अगर आप देखना चाहें तो। मेरे कुकिंग चैनल का नाम है सिमॉर्कन को। और दूसरा जो मेरे यूट्यूब के प्रोफाइल पे चैनल्स का बटन है, वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको डायरेक्ट लिंक भी मिल जाएगा। दही ऐड करने वाली हूँ मैं। सो थोड़ा सा जब सेक आता है तो मैं टमाटर का पेस्ट भी ऐड करने वाली हूँ। क्विक करेंगे आज हम जो भी कर रहे हैं, सारा कुछ एक को साथ, क्योंकि चिकन ब्रेस्ट को कुक होते ज़्यादा समय नहीं ना लगेगा। मेरे हिसाब से राइस को ना इस गैस पे कर देते हैं, चिकन को क्विकली कुक कर लेते हैं क्योंकि राइस ऑलमोस्ट होने वाले हैं। मैं सोच रही थी कि मैं मेरे फ्रिज को कैसे ऑर्गेनाइज करती हूँ, अगर उसकी वीडियो देखना चाहते हैं तो बताना, देखना चाहेंगे आप दोस्तों, खूबसूरत दोस्तों। सो चिकन में हम करेंगे लेयरिंग। धनिया ऑन द टॉप एंड नींबू। बैटरी बंद होने वाली है, हम पूरे क्रूशियल स्टेप पे बैटरी बंद होती है। मेमोरी कार्ड भर गया एक्चुअली। अब कुकर को बंद कर देंगे सिम पे, डन। तो हम लोगों ने बिरयानी का ढक्कन बंद कर दिया है, कार्ड को मैंने चेंज कर लिया। सो बहुत ही ज़्यादा केओस हो गया था, पर मैंने ये इसके चलते यहाँ के बर्तन को भी साफ कर लिया, पर फिर से यहाँ पे पंडार लग गया है। एंड मैं प्लान बना रही हूँ कि थोड़ी सी ना चटनी भी बना रही हूँ, जैसे मैं फ्रेश इंग्रेडिएंट्स है ना तो फ्रेश को यूज़ करके अच्छा है। एंड आज मैं डिफरेंट बनाने वाली हूँ, दही वाली नहीं, सिर्फ ग्रीन। सो वो करेंगे, पर चटनी बाद में बनाएंगे, पहले क्लीन अप करते हैं यहाँ से डिशेस को। दैट्स व्हाट वी गोना डू नाउ। ओके, ऑलमोस्ट एक घंटा हो गया मुझे ये काम करते हुए, पर मेरा काम फिनिश नहीं हुआ है। आई एम नॉट डन येट, पर यस आई एम हंग्री, वेरी हंग्री। सो चटनी में ना, चटनी बनने के बाद थोड़ा सा मैंने चाट मसाला ऐड किया है, उससे इसमें खटास आ गई एंड और भी बहुत अच्छे अच्छे फ्लेवर आ गए हैं। एंड और खट्टा करना चाहते हैं तो नींबू ऐड कर लें। वैसे ये ऐसे ही बहुत अच्छी है। अभी इसको आप पकौड़े शकौड़े अंडे मच्छी जिसके साथ मच्छी खा लो, सब बहुत बढ़िया बन गई है। तो जहाँ से हमने शुरू किया था उसी पोजीशन में आ जाते हैं। समय हुआ है 5:38, पूरा 1 घंटा लगा है मुझे। एंड बिरयानी होपफुली जल्दी हो जाएगी, उसको थोड़ी देर में खोल के देखते हैं क्या चल रहा है उधर। प्रेशर कुकर को थोड़ा खोल के देख ही लेते हैं कि चल रहा है। और जोर में दर्द हो गया है। तो राइस तो कुक हो गए, पर देखते हैं पानी पानी बन सकते। राइस कुक हो चुके हैं, इसको ना बड़े से बर्तन में निकालते हैं एंड एग्जामिन करते हैं। सो इस बड़े से वॉक में निकाल लेते हैं, उससे ना राइस कल्ले हो जाएंगे एंड आई लाइक इट। तो बिरयानी तैयार हो चुकी है एंड मैं बिरयानी के राइस ही खाती हूँ क्योंकि मैं बहुत शैतान हूँ एंड पिकी हूँ। एंड इसके साथ वो ग्रीन चटनी खाएंगे एंड हस्बैंड एंड हिम्मत घर पे नहीं आए और मुझे बहुत भूख लगी है एंड हस्बैंड वैसे भी खाने नहीं वाले हैं और हिम्मत खाएगा। सो पर या ये अभी मैं अकेले खाने वाली हूँ। गरम गरम मुझे गरम खाना बहुत अच्छा लगता है। हस्बैंड को गरम खाना अच्छा नहीं लगता है, उनको अच्छा नहीं लगता क्योंकि उनको मिलता है। अगर उनको नहीं मिले, ठंडा मिले तो फिर उनको अच्छा लगेगा। ये नखरे कितने करते हैं ना पति लोग। चटनी ले लेते हैं अपने लिए, फिर आराम ना बैठे खाएंगे सुकून के साथ। I mean, with the... Do I eat it? दे दो। Mama, tell Daddy if he used your dollar. Okay, so I can share anything, everything, anytime with my son. Why does it take you like 5 hours to just give me TV? They share kartega. I share TV with you. I share your Coke. I share my phone with you. I share your Gucci. Everything. Mama, I told you he always steals everything. Everything, I mean. I'm not kidding. तू साड़ी लाइफ से आगे सब कुछ स्टील नहीं करता, साड़ा बैग स्टील किता। Do you have any answer? चटनियाँ कितना पांडे चिकन दे उतरते हैं। And on rice. Becoming a chef now. Mama, this chutney is the best because it's not spicy. Not spicy? Yeah, that's why I like it. I want to clean the shoe. I want to wipe it. First spray it. Then wipe it. Wow, there was just like some chutney right here and it just disappeared. Asafi higa, let me use my lunch. तू आ रिसाइकल बिन से सुटने आ ते फिर उस तो बाद आके तो फ्रिज का है बंद। फ्रिज का है? हाँ चल रखा। ओके अब फ्रिज पे रख अलग बंद नहीं होगी। तंग बंद नहीं होगी अधी रात। आवे फ्रिज रखा। We used to have each other's playlists. No, no. Used to be each other's best friends. Yeah. And now we go our separate pathways, but your heart's still in mine. Yeah. And maybe we could try it next week again, but I don't wanna think what's toxic, but who cares? Okay, so dinner समय हो चुका है हमारा कंप्लीट. किचन को मैंने क्लीन कर दिया है. हिम्मत ने मेरी हेल्प की थी एंड उन्होंने लगातार हिम्मत ने मैं और हिम्मत थोड़ा समय स्पेंड करेंगे टीवी पे एंड देन हमें जल्दी सोने के लिए जाना है क्योंकि कल स्कूल डे है एंड सारा ही रूटीन दोबारा से शुरू हो जाएगा. आई होप आपको ये डिनर रूटीन वाली वीडियो अच्छी लगी हो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो ज़रूर से लाइक करना क्योंकि लाइक से ही मुझे पता चलता है कि आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही है या नहीं. लाइक ज़रूर करें. अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके मेरी फैमिली का हिस्सा बन जाइए ताकि आने वाली वीडियोस को आप कभी मिस नहीं करें एंड बेल को भी क्लिक कर देना ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए. मैं मिलूँगी नई वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और बिल्कुल मत भूलें दोस्तों, यू गाइस आर ब्यूटीफुल द वे यू आर. स्टे हैप्पी, कॉन्फिडेंट एंड स्ट्रांग. यू गाइस कैन डू एनी फ्रिकिंग थिंग. ऑल यू हैव टू डू इज थिंक अबाउट इट एंड टेक एक्शन. Easy peasy lemon squeezy. Bye, Lalu.